एक अगला जो गाना है उसका एक छोटा सा कहानी है, पहले वो बताऊं तब फिर मजा आए। आप मन रामेश्वर वैष्णव के नाम सुने हो, बहुत बढ़िया गीतकार है जिन वो गाना लिखे रही से। तै बिलासपुर हिन्नस औ मैं रह गढ़िया, तोर मोर जोड़ी भबे है सबले बढ़िया। रामेश्वर वैष्णव जी ये गाना ला लिखे रही से, वो एक बहुत खूबसूरत गाना वो लिखे रही से। कौन जने काय पाप कर रहे हैं, ठगड़ी कस जिंदगी मा सुखला फिर नहीं जाने ओ कौन जनी। इस गीत में बहुत दर्द है। तो ये रायपुर और भाटापारा के बीच में सिलियारी रेलवे स्टेशन है और वहां पर एक भिखारी था और वो है, उसका नाम था बाबूलाल। और बाबूलाल जो है इस गीत को गा के भीख मांगता था, कौन जनी काय पाप करे रहे हो, ठगड़ी कस जिंदगी में सुखला फिर नहीं जाने हो। तो एक दिन रामेश्वर वैष्णव जी उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे जिसमें बाबूलाल भीख मांग रहा था। तो रामेश्वर वैष्णव जी ने उस गीत को गाते हुए बाबूलाल को सुन लिया और बाबूलाल से बोला उन्होंने कि बाबूलाल मेरी इतनी अच्छी साहित्यिक रचना को तुम गा के भीख मांग रहे हो यार, मेरे गीत की तुम बेइज्जती कर रहे हो। तो बाबूलाल ने कहा, जो बचपन से सूरदास था, बोला कि महाराज मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे लिए कोई गीतकार तो गीत लिखेगा नहीं, जो गाना अच्छा लगा जिसमें करुणा थी पीड़ा थी उसको मैं गा के भीख मांग लेता हूं, मेरे लिए आप गाना लिख दोगे क्या, आप इतने बड़े गीतकार हो। तो वैष्णव जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए गाना तो लिख दूंगा। तो बाबूलाल बोले देखिए साहब आप मेरे लिए गाना लिखेंगे लेकिन उसमें मेरी 5 शर्तें हैं। बोले क्या शर्त है? बोले देखिए मस्तूरिया जी, आप देखिए वैष्णव जी, आप जब भी गाना लिखेंगे तो उस गाने में इतना दर्द होना चाहिए, इतनी करुणा होनी चाहिए कि आदमी जैसे ही मैं गाना शुरू करूं खट से पैसा निकाल के मेरे को दे दे, क्योंकि गाना तो भीख मांगने के लिए था ना। तो बोले जैसे ही मैं गाना शुरू करूं खटाक से पैसा निकाले और तुरंत दे दे, मुखड़ा ऐसा होना चाहिए। बोले ठीक। दूसरी शर्त, बोले साहब इसमें व्यंग होना चाहिए तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा। बोले ठीक है व्यंग हो जाएगा। तीसरी बात, बोले इसमें हास्य होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ओके इट्स ओके, वो भी कर देंगे उसमें। बोले एक चीज और, करंट अफेयर्स होना चाहिए। बोले हाँ दादा, जो बोला सब कर दूं लेकिन और कुछ बच गए? बोले हाँ एक चीज बच गए। का? बोले मोर नाम होना चाहिए बाबूलाल। तो ये गीत एक भिखारी का गीत है जो आप लोगों के बीच मैं सुना रहा हूं, सिलियारी के वो भिखारी हैं बाबूलाल जी, और कितना बढ़िया लिखा है रामेश्वर वैष्णव जी ने। बन कर राम मोला अंधरा बनाए, बन कर राम मोला अंधरा बन। देखिए आज तक आपने किसी को भगवान को धन्यवाद देते नहीं सुना होगा कि अगर उसको किसी अंग को ना दिया हो भगवान ने तो वो धन्यवाद। और बाबूलाल जो सबसे पहले शुरू करता है कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे अंधा बनाया। क्यों? बन कर राम मोला अंधरा बनाए, बन कर राम मोला अंधरा बनाए, आँखी मा देखे के दुख नहीं धराए, दिन रात मोर बर बराबर बनाए राम। बन कर राम मोला अंधरा बनाए, बन कर राम मोला अंधरा बनाए। करुणा थी कि बने करे राम मोला अंधरा बनाए, आंखी में देखे के दुख नहीं धराए, दिन रात मोर पर बराबर बनाए और मोर जिंदगी में सूरज नहीं हुआ है, मेरी जिंदगी में आपने सूरज नहीं उगाया भगवान, उसके लिए शुक्रिया। पहला अंतरा व्यंग,
सुने हवो दुनिया मा रंग रंग के चोर, भुइया मा मन के औ गद्दी मा ढोर। ढोर यानी जानवर। आजकल 50-50 हजार रुपए के कुत्ते आते हैं। इंसान जमीन में सोता है, कुत्ता सोफे में सोता है, बिस्तर में सोता है। सुने हवा दुनिया मा रंग रंग के चोर, भुइया मा मन खे औ गद्दी मा ढो। बड़े बड़े नेता ऊंचाए हे देश, रक्षा चरित्र औ साधु के भेस। बहुत सारे साधु ऐसे जो जेल में हैं, हैं कि नहीं। सुने हवा दुनिया मा रंग रंग के चोर, भुइया मा मन के औ गद्दी मा ढो। बड़े बड़े नेता ऊंचाए हे देश, रक्षा चरित्र औ साधु के भेस। ये सब के दर्शन करे ले बचाए, ये सब के दर्शन करे ले बचाए, राम बन कर राम मोला करे, बन कर राम मोला। आँखी मा देखे के दुख नहीं धराए, मोर जिंदगी मा सूरज नहीं हुआए, दिन रात मोर बर बराबर बनाए, राम बन कर राम मोला करे, बन कर राम मोला। अंधरा बनाए बन कर राम मोला, अंधरा बनाए। व्यंग के पहला कंप्लीट, अब नंबर टू करंट अफेयर्स। आज माइक्रो फैमिली हो गई है, छोटे छोटे परिवार हो गए, उस पर कितना अच्छा उन्होंने लिखा। दाई लासु बोहावत नहीं देखा, ददाला चुप कस मसावत नहीं देखा। दाई लासु बोहावत नहीं देखा, ददाला चुप कस मसावत नहीं देखा। भाई ला अंगना खड़ावत नहीं देखा, बेटा ला घर छोड़ जावत नहीं देखा। जौने हा देखे उही छटपटाए, जौने हा देखे उही छटपटाए, राम बन कर राम मोला। आँखी मा देखे के दुख नहीं धराए, मोर जिंदगी मा सूरज नहीं हुआए, राम बन कर राम मोला। अंधरा बनाए बन कर राम मोला, अंधरा बनाए। अब तीसरा, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, इस गाने में इन्होंने फिल्म वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ा, और मैं सिनेमा से हूं तो ये लाइन मेरी मर्यादा है कि गाने को कंप्लीट करना है, इसलिए गा रहा हूं, बाकी आप लोग एंजॉय मत करना इसको। गाना के मुखड़ा मा चिखला स्नेह, यानी गाने के मुखड़े पे कीचड़ लगा हुआ है, आजकल ऐसे गाने आते हैं। गाना के मुखड़ा मा चिखला स्नेह, गुंडा उ बदमाश हीरो बने हैं। गाना के मुखड़ा मा चिखला स्नेह, गुंडा उ बदमाश हीरो बने हैं। तन मा हीरोइन के कोनहा ना चेंद्रा,
ओ लग थे न चैया मन सर कस के बेंदरा नियत के नंगरा सिनेमा बनाए नियत के नंगरा सिनेमा बनाए राम बन कर राम मोला अंधेरा बनाए बने और चौथी शर्त आखिरी कि मेरा नाम होना चाहिए बाबूलाल बाबूलाल कैसे जब बाबूलाल इस गीत को गा के भीख मांगने लगा तो उसका टर्नओवर बढ़ गया और जब टर्नओवर बढ़ गया तो दुनिया समाज उससे जलने लगी तो बाबूलाल क्या बोला कोनो कोनो कहित है कि ऐ बाबूलाल होके अलाल तैं झड़क थस गा माल अलाल मीन्स आलसी होता है कोनो कोनो कहित है कि ऐ बाबूलाल होके अलाल तैं झड़क थस गा माल मैं कथौं सच काहे सुन ले सियान आँखी मुदा थे ता मिलते गियान दुनिया की दर ले दुनिया की दर ले टिकिस बिन कटाए राम बन कर राम बोला जोर से बन कर राम बोला आँखी म देखे के दुख नहीं धराए दिन रात मोर बर बराबर बनाए राम बन कर राम बोला अंधेरा बनाए 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 प्रेम से बोलिए बाबूलाल बाबा की।